मैं सर वर्मा निरंतर कोचिंग टीजीटी बेट जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी की परीक्षा में आपने पूरे यूपी में चौथी रैंक लाए हैं। इन्हीं एक ऐसे पूरे यूपी में आपने 125 प्रश्न करके आपने यूपी में चौथा रैंक लाया है जनरल में, तो मैं आप उनसे मिलाना चाहूँगा जो इसमें 11 फुट के पीएचडी के शोध कार्य भी कर रहे हैं। तो धनंजय कुमार सिंह जो हम लोग के बीच में हैं, जो अपने परिवार का और यूपी का नाम रोशन किए हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि टॉपरों की लिस्ट में आप ही हैं, क्योंकि आपने अभी तक मैंने देखा किसी ने 125 नहीं कर पाया है लेकर के, जो आपके 125 क्वेश्चन हुए। और कई बहुत सारे लोग सफल शिक्षक हम लोग के बीच में हैं जो प्रयागराज से भी हैं और जिला गोंडा से भी हैं, वो भी अच्छे रैंक के साथ आज हम लोग के बीच में हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा धनंजय कुमार सिंह जिला आजमगढ़ से, जो गांव का नाम है लाट घाट सगड़ी से। तो मैं हम लोग के बीच में मैं धनंजय कुमार सिंह को आपके बीच में ला रहा हूँ और आप आएंगे और आप बताएंगे अपनी सफलता का राज और कैसे लाइफ में पढ़ना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इससे भी आप लोग संस्थान में लोग टेस्ट दिया करते थे, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा रहा कि उस समय आपके इतने अच्छे क्वेश्चन हो गए। तो आज मैं संस्था की तरफ से धनंजय कुमार सिंह को धन्यवाद देता हूँ और ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने हमारी संस्था का हम लोग का नाम रोशन किए अपने परिवार का। तो धनंजय कुमार सिंह आप आएंगे आप लोग के बीच में। मैं धनंजय कुमार सिंह जिला ग्राम लाटघाट तहसील सकड़ी से, और इस बार 2016 का जो विज्ञापन था पीजीटी, उस विज्ञापन में परीक्षा दी और चयनित। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ और सर का हमारे सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान है। उनके मार्गदर्शन और मोटिवेशन से हम लोग बहुत आगे गए और सफलता हमको मिली, और इसमें दोस्त मित्रों का भी बहुत सहयोग रहा, माता पिता का आशीर्वाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि संस्था से जितने भी लोग जुड़े हैं जुड़े रहिए और सर के अनुसार चलिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अच्छा धनंजय कुमार जी, बताइए आप जो है क्या जब आप परीक्षा देने गए थे तो आपको लग रहा था कि हम पुरांग के पुरांग कर देंगे, ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा था क्या आपको? नहीं सर, ऐसा तो कुछ फीलिंग नहीं हो रहा था, लेकिन पेपर देखे तो हमको समथिंग 120 क्वेश्चन तो लगभग आ ही रहे थे, लेकिन 5 क्वेश्चन में डाउट था। तो ऐसा किए तो जैसे 50-50 का रहता है सर चांस, तो उसमें करने के बाद जो भाग्य कहते हैं तो भाग्य का भी साथ रहा, तो 5 क्वेश्चन अभी सही हुए और क्वेश्चन कुछ विवादित थे तो यप हो गए, तो कुछ हमारे फेवर में भी आए, तो इससे 125 में 125 करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सारा श्रेय सर आप ही को गुरु जी को हमारा जाता है। 125 में आप कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? सर पढ़ाई तो सर 10 घंटे 12 घंटे रेगुलर चलती थी, लेकिन परीक्षा के दौरान उस समय जो 2-3 महीने गुजरा उसमें मतलब समय की कोई अनुमान ही नहीं रहता था, जैसे 15 घंटे 16 घंटे हो जाए कोई पता नहीं चलता था कि सर कितना समय। अच्छा 2013 भी आपने इंटरव्यू दिया था डिजिटिक परीक्षा में? जी सर। और आप इस समय वर्तमान में 11 भी हैं? जी सर। तो क्या आपको दोबारा जब फिर आपको जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराशा तो आई ही होगी? बिल्कुल सर निराशा आई। उसके बाद फिर आपने जब तैयारी शुरू किया तो क्या रोज पॉजिटिव ही रहा करते थे, बीच बीच में निराशा भी आ गई? नहीं सर, निराशा आई थी सर, और जैसा कि मैं डिप्रेशन में चला गया था और मैंने यहाँ प्रयागराज से इलाज भी करवाया और फिर BHU से इलाज चला, तो कुछ महीने बाद जैसे मेरे दोस्त काफ़ी लोग मेरे साथ के जो झारखंड की परीक्षा थी TGT उसमें चयनित हुए, और उस समय मेरा स्वास्थ्य खराब था इसलिए हम परीक्षा भी नहीं वहाँ की दे पाए। फिर जब रिकवर हुए तो फिर दोबारा संस्था से जुड़े और आप सर के मार्गदर्शन से और उनके मोटिवेशन से फिर दोबारा परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर हमने सफलता प्राप्त। अच्छा परीक्षा में टेस्ट में कितने आया करते थे आपके? शुरुआत में सर तो हम लोगों ने मतलब सौ से नीचे ही शुरू किया था, 80-85 यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन सर जैसे जैसे तैयारी बढ़ती गई और फिर हम लोगों ने क्लास जैसे जैसे किया पूरा सिलेबस खत्म हुआ तो उस समय हम लोगों ने लास्ट तक कभी 120 122 23 15 16 17 मतलब यही सर रहा करता था हमेशा के हमेशा से हमेशा, मतलब हम लोग का ग्रुप जो है टॉप 10 में हमेशा ही रहा।
जिसमें भाई कृष्ण कुमार जी भी थे, अजय पटेल थे जो चयनित हैं 2013 वैकेंसी में, और अखिलेश जी हैं जो दिल्ली अधीनस्थ में चयनित हैं, और इस बार प्रवक्ता में भी हुआ, उनका राजकीय में भी हुआ। तमाम ऐसे दोस्त में थे जिनका सहयोग मिला और सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते। धन्यवाद धनंजय कुमार सिंह। देख रहे हैं आप लोग कि इस समय होता है कि किसी को कोई भी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन परिश्रम का इतना फल होता है कि आज जो है लोग मजबूर हैं कि किस नौकरी को करें, और यहाँ पे स्थिति है कि जो है कोई भी नहीं मिल पा रहा। तो धनंजय कुमार जी ने साबित कर दिया है कि परिश्रम ऐसी चीज़ है, अगर हम लोग औचित रहें और सकारात्मक सोच के साथ तो हम लोग को नौकरियों की कमी नहीं है, हम लोग को मिलती रहेगी, और जो जरूरत होगा उसी को हम लोग ज्वाइन करके कर सकते हैं।